सबसे पहले बात आज हम करेंगे कुछ प्री राइटिंग टेक्निक्स के बारे में। जी हाँ, बच्चों को राइटिंग सिखाने से पहले ज़रूरी है कुछ टेक्निक्स बताएं। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बताया था जहाँ मैंने बच्चों को पेंसिल होल्ड कैसे करें इसके बारे में बताया था, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ दे रही हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्री राइटिंग टेक्निक्स के बारे में। सबसे पहली टेक्निक होती है स्क्रिबल, जी हाँ, दूसरी होती है डॉट्स, तीसरी सर्कल, चौथी इनसाइड आउट और पाँचवीं पैटर्न। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रिबल की, क्योंकि मेरी बेटी भी अब 3 साल की है और अभी वो प्री स्कूल नहीं जा रही है, तो हम होम स्कूलिंग ही कर रहे हैं। तो जो चीज़ें मैं करवा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। तो बात करते हैं स्क्रिबल की। आप अक्सर देखते होंगे बच्चे कुछ इस तरह की पैटर्न बनाते रहते हैं, हो सकता है वो आप जो भी कलर देते होंगे उनसे आप पूरा इस तरह से वो स्क्रिबल करते होंगे। तो ये पैटर्न जो होता है वो बच्चों को राइटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। आप देख सकते हैं ये एक पुरानी डायरी है, मैंने आशी को दी हुई है, तो पूरी डायरी में हर जगह उसने स्क्रिबल करके रखा हुआ है। तो इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि बच्चों की जो हैंड की मूवमेंट है वो इम्प्रूव होती है। जब वो पूरी इस तरह से स्क्रिबल करते हैं, पूरा घसते हैं इस पर, तो उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, उनकी मोटर स्किल डेवलप होती है और एक टेक्निक डेवलप होती है। बच्चों को पेंसिल या पेन होल्ड करने की ताकत हाथों में आती है। तो बच्चों को आप शुरुआत करें कुछ इस तरह से पैटर्न बनाने को। आप उनको कलर स्केच पेन दें, कलरफुल क्रियॉन्स दें, उससे क्या है उनका इंटरेस्ट बनेगा। और अगर वो इस तरह से कुछ 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 बना रहे हैं तो उन्हें आप करने दें, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो उनके पेंसिल की ग्रिप बनाने में मदद करता है और उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करता है। दूसरी चीज़ है डॉट्स। डॉट्स कहने का ये मतलब हुआ कि बच्चों को, जैसे आप मान लीजिए आप एक फिश बना दीजिए और बच्चों को बोलिए यहाँ पानी बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए वो आप उनके साथ कुछ इस तरह से डॉट्स बनाइए और बच्चों को भी इनकरेज कीजिए कि वो कुछ डॉट बनाएं। इससे क्या होगा, बच्चों का ग्रिप बनता है और उनके हाथों में ताकत आती है, उनके जो हैंड है उनका मूवमेंट उनके कंट्रोल में होता है। बिकॉज अभी जब वो स्क्रिबल कर रहे थे तो वो फ्री हैंड से कर रहे थे, लेकिन जब वो डॉट्स बनाते हैं तो उनका हैंड जो है उसका मूवमेंट कंट्रोल हो जाता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आप बना दें और बच्चों को आप बोलें कुछ इस तरह से डॉट्स बनाने के लिए, तो इससे क्या होगा, कलरफुल पेन या फिर आप उन्हें क्रियॉन्स देते हैं तो उससे उनका इंटरेस्ट भी आएगा और उनके हाथ पे उनका कंट्रोल बनेगा। इस तरह से कुछ आप उनको डॉट्स बनाने के लिए बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ है सर्कल। जैसे बच्चों को आप इस तरह से कुछ आप एक सर्कल बनाने को बोलो। बच्चों की आदत क्या होती है, वो पूरा पहले स्क्रिबल करते हैं, तो नहीं, अभी आप बच्चों को राउंड सर्कल बनाना सीखो। इससे भी क्या होगा, पेंसिल पे ग्रिप बनेगा और बच्चे का हाथ का मूवमेंट जो कंट्रोल रहेगा। जैसे आप उनको इस तरह से कुछ राउंड राउंड सर्कल बनाने के लिए बोलना, छोटा सर्कल के अंदर एक सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल, बड़ा सर्कल, ताकि उन्हें एंड टू एंड ऐड करना है। जैसे बच्चे जब सर्कल बनाते हैं तो एक एंड से दूसरे एंड को वो जोड़ना सीखते हैं, इससे उनके हाथ में ताकत आती है और बच्चों का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। तो बच्चे एक एंड से दूसरा एंड जोड़ना भी सीखते हैं। तो इस तरह से बच्चों को कुछ आप सर्कल पहले बनाने का तरीका सिखाएं। इस तरह से एक तो ये अल्फ़ाबेट भी हो जाता है ओ, तो बच्चे ओ भी सीख जाएंगे और इस तरह से जब एंड टू एंड वो सर्कल बनाएंगे तो एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे और वो एक नई चीज़ सीखेंगे। चौथी चीज़ है इनसाइड आउट। जी हाँ, तो इनसाइड आउट कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप बच्चों को कोई भी ऑब्जेक्ट बना के दे दें। जैसे अभी आप उनको एक मैंगो बना के दे दें और बच्चे जैसे अभी स्क्रिबल कर रहे थे, वो पूरा का पूरा कॉपी पे वो कलर कर रहे थे, तो अभी आपको उनको बोलना है मैंगो के अंदर कलर करो और आपको ये बताना है कि बाउंड्री है इसके अंदर करना। हो सकता है थोड़ा सा वो कलर बाहर करेंगे तो इट्स ओके, लेकिन कोशिश करना है कि बच्चों को ये समझ में आए कि ये इनसाइड है ये आउट है, ये वाला जो प्लेस है वो इनसाइड है और ये आउट है, तो आउट में दूसरा कलर जाएगा, इनसाइड में दूसरा कलर जाएगा। इस तरह से कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना के दे दें, मान लीजिए आप उन्हें एक कैटी बना के दे देते हैं इस तरह से, तो आप उनको बोलो कि इसका स्टमक दूसरे कलर से कलर करना है, ये देखना है बाहर नहीं आना है और बाहर आपको दूसरे कलर से करना है। तो ये टेक्निक होती है इनसाइड आउट। इससे भी बच्चों का ग्रिप बनता है और उनको समझ आती है, उनको अपने पेन पे कंट्रोल आता है और उनको कलरिंग करने की समझ आती है और वो इससे आगे लिखने में उन्हें काफ़ी आसानी होती है। पाँचवीं चीज़ है पैटर्न। पैटर्न कहने का ये मतलब हुआ कि बच्चों को अभी आप लाइन सिखाएंगे तो उसके लिए शुरुआत करें कुछ इस तरह से। जैसे आप इस तरह से डॉट्स डॉट्स बना दें और बच्चों को बोले कि इस पे आप एक पैटर्न ड्रॉ करो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, या फिर आप एक डॉट 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 इस तरह बना दें और बच्चों को आप बोलो इस तरह से कुछ वो फॉलो करें। तो इससे क्या होगा, उन्हें एक स्लीपिंग लाइन और
स्टैंडिंग लाइन बनाने की शुरुआत होगी। अभी उन्हें हम प्रॉपर नहीं सिखा रहे हैं स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, लेकिन जब आप कुछ पैटर्न बना के देते हो और जब उनको बोलते हो एंड से एंड ज्वाइंट करने के लिए, उस पर फॉलो करने के लिए, तो बच्चे कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं और आगे जाके जब वो लाइन्स ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्लैंट लाइन, अल्फ़ाबेट लिखना शुरू करते हैं, तो उसमें आसानी होती है। तो ये 5 टेक्निक है जिसे आपको अभी फॉलो करना है। तो ये कुछ 5 प्री राइटिंग टेक्निक है जिसे आपको बच्चे को फॉलो करवाना है। पहला स्क्रिबल, यानी बच्चों को आप इस तरह से कुछ भी आप ड्रॉ करने दो, डॉट्स बनाने के लिए दो, सर्कल ड्रॉ करने दो, इनसाइड आउट कलरिंग सीखा और कुछ पैटर्न सीखा। इससे क्या होगा, बच्चों की पेंसिल पे ग्रिप बनेगी, उनकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी और उसके बाद हम प्रॉपर अल्फ़ाबेट बच्चों को लिखना सिखाएंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। प्लीज़ आप मुझे लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि जल्द से जल्द मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो ये एक पार्ट है राइटिंग का। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं राइटिंग स्किल के बारे में और आपको बताऊंगी। थैंक यू।